भैया जिंदगी हमारी एकदम झंड हो चुकी है। क्या बताएं आपको, ससुराल तीन दिन से अच्छा कपड़ा पहन के ऑफिस में आ रहे हैं कि कौनो लड़की कॉम्प्लीमेंट दे दे, कौनो बोल दे कि वाह क्या लग रहे हो, लेकिन नहीं, कौनो ससुर कनाती हमको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। देगा भी कैसे, कैसे देगा, क्या फायदा अच्छा कपड़ा पहनने का। अरे जब इस देश के लोग इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, उसके पहनावे पे सवाल उठाते हैं, तो भैया हम कौन से खेत की मूली हैं। एक तो वो राहुल बाबा अपने फटे कुर्ते में से हाथ निकाल के बोलता है कि भाई देखिए भैया, देखिए ये मोदी जी के कपड़े के पैसे कहाँ से आए, देखिए भैया। और एक तरफ वो केजरीवाल खुद मोंटो कार्लो का मफलर लगाता है और देश के प्रधानमंत्री के कपड़ों पर सवाल उठाता है। इसे कैसे चलेगा देश। लेकिन हम आपको बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कपड़ों का खर्च आता कहां से है। देखिए इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। अपने शानदार पहनावे और जानदार व्यक्तित्व के लिए पीएम मोदी दुनिया भर में जाने जाते हैं, चाहे उनका कुर्ता पैजामा हो या उनका सूट। लेकिन उनके विरोधियों को ये बात पछती नहीं है, वो समय समय पर उनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये कपड़े जो मोदी जी पहन रहे हैं इनके पैसे आए कहां से, आखिर इतने महंगे कपड़ों का खर्च उठाता कौन है। तो हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित सबरवाल ने एक आरटीआई दायर की थी, जिसमें ये साफ हुआ है कि पीएम मोदी अपने कपड़ों का खर्च खुद अपनी सैलरी से उठाते हैं। उसमें एक रुपया भी ना ही पीएमओ से लिया जाता है, ना ही किसी सरकारी फंड से। ये रिपोर्ट उनके विरोधियों के ऊपर एक करारा तमाचा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पहनावे के ऊपर सवाल उठाते हैं। देखिए भैया, हमारे गोरखपुर के जो नानी जी हैं, उन्होंने एक बार हमसे एक बात कही थी कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है स्वच्छता और अच्छा पहनावा। और अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें हमें दिक्कत कहाँ हो रही है। कैसी दिक्कत। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। और भैया अच्छा पहने और पहनने दें।